जो भी बड़े नेता भाजपा के आ रहे हैं प्रचार करने के लिए आएंगे, आप उनसे पूछे पिछले 5 सालों में आप कहां थे। जय महाराष्ट्र। कुठच्या भाषेत बोलू? दोन्ही मिक्स बोलतो। खासदारांना जास्त हिंदी बोलायची सवय, कारण ते दिल्लीत बोलत असतात आणि चांगली भाषण करतात। पण इथे आल्यानंतर खरोखर आनंद होत आहे मला, कारण अनेक वर्ष मी ह्या गल्लीमध्ये येत आहे। अनेक वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतात, कधी उद्घाटन असतात, कधी काही भूमिपूजन असतात। आणि एक अभिमानाने सांगू शकतो मी की जेव्हापासून अरविंद सावंत खासदार झालेत, पिछले 10 सालों में जो आपने विकास की गंगा यहां लाने की कोशिश की है, दक्षिण मुंबई में लाने की कोशिश की है, कई एरियाज ऐसे थे, कई इलाके ऐसे थे मुंबई में और दक्षिण मुंबई में इसी चुनाव क्षेत्र में जहां कोई आता नहीं था, कोई जीत के यहां से दिल्ली जाता था, आपके वोट्स लेके आशीर्वाद लेके आगे जाता था, दिल्ली तक जाता था, लेकिन कोई वापस नहीं आता था। आज जब आप मुझे बता रहे थे कि ये सड़क आपकी चुनाव के जो MP लाइट्स फंड होते हैं उससे हुई है, यहां की लाइट हो, और जब भी हम BMC के चुनाव लड़ते थे तो एक बात सबसे अहम थी, वो सब लोग बताते थे कि यहां वाटर माफिया काफी बड़ा था, पानी पे राजनीति चलती थी। और जब आप जीत के आए तो आपका पहला यही था, पहली बात यही थी कि यहां की जो पानी की राजनीति है उसे बदलना है, जो गुंडे हैं, जो माफिया है, उनके हाथों से लेके जनता के हाथों में देना है। वही सपना आज आप दिल्ली लेके जा रहे हो और यही काम इसे आगे लेके जाने के लिए आप जो दिल्ली का सपना देख रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि गीता नगर की सारी जनता आपके साथ रहेगी। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अंबेडकर नगर आहे, गणेश नगर आहे, गीता नगर आहे आणि संपूर्ण कोलाब्यामध्ये। कारण हा परिसर असा आहे, मुंबईचं नाक म्हटलं जातं, मुंबईचं टोक म्हटलं जातं। आणि टोक म्हटल्यानंतर खरोखर जे मी सांगतो ना, अनेक वर्ष म्हणजे मुंबई महानगरपालिका असेल आपली, अनेक म्हणजे इथे खूप काही काही गोष्टी झाल्या, आदर्श वगैरे असं सगळं झालं, जे राजकीय लोकांनी करायचं होतं ते करून झालं, पण जनतेसाठी काय केलं का, आज हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे। मला आज जास्ती वेळ बोलायचं नाही, मी आज आपल्या सगळ्यांना भेटायला आलो, आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद घ्यायला आलो, पण ही लढाई फार मोठी आहे, जो लढाई आहे वो काफी बड़ी है। ऐसे ना सोचिए कि सिर्फ एक उम्मीदवार की लड़ाई है, ये देश की जनता किस ओर मतदान करेगी, किस तरफ मतदान करेगी, इसके बारे में है। अपना देश, अपने देश के युवा कहां तक जा सकते हैं, युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है। जो आज आपके हाथ में वोटिंग का अधिकार है वो आपके हाथों में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे ये चुनाव पूरा आधारित है। आज अगर देश में देखें तो जैसे भाजपा के जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से जो काफी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें 400 पार करवाइए, 400 पार करवाइए, क्यों 400 पार करवाना है इन्हें, तो यही बात है इनके मन में। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान लिख के दिया है, जिस संविधान में आपके अधिकार है और आपके कर्तव्य भी है, वही संविधान भाजपा बदलना चाहती है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपको मान्य है? जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महामानव हम उनको कहलाते हैं, भगवान के जैसे है, जिन्होंने सारे जो जीने के अधिकार है हमारे देश में, सरकार एक ऐसी बनती है, बिगड़ती है, चलती है, गली से लेके दिल्ली तक जो सरकार बनती है और चलती है, उन्होंने बताया कैसा होना चाहिए। सारे लोगों की आवाज जब दिल्ली तक पहुंचती है तभी सरकार बन सकती है, लेकिन भाजपा को जो है आपकी आवाज सुननी नहीं है, खुद की आवाज सुननी है, उनकी ही मन की बात करनी है। देश के मन के कुछ है वो सुनना नहीं है, देश के दिल की बात सुननी नहीं है। और यही दर्द की बात है कि 10 साल में भी अगर आप आज जो राजनीति करना चाहते हैं, जो भाजपा राजनीति करना चाहती है, 2014 में भी जीत के आए थे, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी थी, 2019 में भी जीत के आए, लेकिन याद कीजिए 2014 में जो हमें वादे दिए थे, जो वचन दिए थे, कौन से वचन थे? हर एक अकाउंट में, हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, कहा था ना? आए किसी के अकाउंट में? नहीं। आए तो हाथ ऊपर कीजिए, हाथ दिखाइए मुझे, किसी के आए? नहीं आए। फिर कहा था महंगाई कम करेंगे, बराबर है? महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। 2014 में गैस की कीमत क्या थी? 400। अभी क्या हो गया? 400 पार। अभी कितनी है गैस की? पेट्रोल की कीमत क्या थी 2014 में? कितनी होती आता कितनी चलिए? आणि डीजल मग महागाई कमी झाली आहे की वाढलेली आहे? जी आपल्याला स्वप्न दाखवली होती विकसित भारत, विकसित भारत, त्यावेळी पण सांगितलं होतं। नोटबंदी आली,
नोटबंदी जो हुई हमें कहा गया था कि काला धन निकल जाएगा हमारे देश से. काला धन का तो पता नहीं, लेकिन सारा धन जो है वो भाजपा के अकाउंट में गया है, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम जो किया. चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो. मुझे नहीं लगता कि आज हमारे देश में जिस सपनों पे बात 14 में की गई थी, 19 में की गई थी, उसकी बात भी हो रही है. अगर आज देखें तो भाजपा के नेता किस बात पे प्रचार करना चाहते हैं, किस बात पे बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो मटन मांस मच्छी खाते हैं. यही बात है. 10 साल के बाद अगर आप कौन कैसा खाता है, क्या कपड़े पहनता है, इस पे बात करने की जरूरत हो आपको, तो आपने 10 साल में किया तो क्या. 10 साल पहले आप पूछ सकते थे कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन 10 सालों में बहुमत की सरकार होते हुए भी अगर आप पूछ रहे हैं कि 75 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो खामियां उनमें नहीं, खामियां आप में है, गलती आप में है. आज देश ने यह सोचना जरूरी है कि जो वचन बिहार को दिया था, उत्तर प्रदेश को दिया था, केरल को दिया था, तमिलनाडु को दिया था, हमारे महाराष्ट्र को दिया था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनने वाले, हर गली में खुशहाली आएगी, हर गली में विकास होगा. मुझे कहिए 10 साल में अपनी स्थिति कुछ बदली है क्या? नहीं. जो बदल आए हैं, जैसे ये सड़क सुधरी हो या कोई बिजली आए हो, तो आज जो सांसद साहब है आपके सामने अरविंद सावंत जी, हैनी के लिए सगळे बदलत, हैनी के लिए सुधार आहेत, हे सगळं होत असताना आपण पाहिलं असेल गेल्या 2-2.5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्र जे राजकारण झालेलं आहे ते एवढं घाण झालेलं आहे, एवढं गलिच्छ झालेलं आहे की आज आपल्या राज्यामध्ये जो भी बड़े नेता भाजप के आ रहे हैं प्रचार करने के लिए आएंगे, आप उनसे पूछे पिछले 5 सालों में आप कहां थे. कोविड के समय में एक भी कोई भाजप का आपकी गली में आया था, आपके दरवाजे पे आया था? हॉस्पिटल की जब जरूरत थी, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो भाजपा से कोई आया था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाम आपके घरों में आया था? कौन आया था? यही बात है. 2019 से 2022 तक जो सरकार थी, जो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो हमारे सारे दोस्त है, वो सब जब सरकार चला रहे थे, कोविड जैसे एक भयानक संकट हमारे दुनिया पे आया था. और उसी कोविड के दौरान दुनिया भर में जो प्रशंसा हुई वो मुंबई मॉडल की हुई थी, क्योंकि आप सभी ने सहयोग किया था. और जो उद्धव साहब कहते थे कि मास्क लगाइए, डॉक्टर को दिखाइए, कभी हॉस्पिटल जाइए, कभी घर पे बैठे, हम सब ने मिलकर इस मुंबई को बचाया. ये मुंबई है. जब यहां निसर्ग जो एक साइक्लोन आया था, आपको याद होगा निसर्ग वादल जब आलो होता, टोकटे आलो होता, इथे पण होता ना, इथे आपल्याला आठवत असेल, टोकटे आलो होता, निसर्ग आलो होता, नुकसान महाराष्ट्र पण झालं होतं, पण 1000 कोटी केंद्र सरकारनी महाराष्ट्राला नाही तर गुजरातला दिले होते, नुकसान गुजरातचं पण झालं होतं, महाराष्ट्राचं पण झालं होतं. द्या गुजरातला तुम्ही 10000 कोटी, द्या पण 5000 कोटी तर महाराष्ट्राला द्या. आणि मुद्दा हाच येतो की आपण राज्य म्हणून, महाराष्ट्र म्हणून ह्या देशाचे भाग आहोत की नाही. आज जेव्हा आपण पाहतो आपलं राजकारण जे गलिच्च होत चाललंय, आपके यहां के जो विधायक है, जो अध्यक्ष बन के अभी आज सब जगह हुकूमत चला रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष करके कहलाते हैं, मुझे कहिए कोविड के दौरान वो दिखे थे यहां? कौन से बंगले पे थे? जो विधायक है जो आज विधानसभा के अध्यक्ष है, वो तो मुझे सुनने में आता है 1-1.5 महीना तो अलीबाग में थे, चलो उसमें भी मैंने जाना चाहता, लेकिन जो आज ट्राइब्यूनल करके उन्होंने निर्णय दिया, निकाल दिया, हमारे खिलाफ दिया, वो सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं था, संविधान के खिलाफ था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ था. ऐसे आदमी को आप कभी चुन सकते हो? ऐसे आदमी को कभी चुन सकते हो? नहीं चुन सकते. और यही बात मैं कहना चाहता हूं, और आखिरी बात जो आपसे पूछना चाहता हूं वो यही है, आज हमारे मुंबई से हमने तो सारे जो अपने उम्मीदवार हैं, अरविंद सावंत जी यहां से है, दक्षिण मुंबई से है, फिर संजय दीना पाटिल जी ईशान्य मुंबई से है, उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर जी है, दक्षिण मध्य से अनिल देसाई जी है, हम सब जो लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि आपका आवाज, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे, संसद भवन तक पहुंचे. लेकिन मुंबई उत्तर से जो भाजपा के सांसद बनने जा रहे हैं या उनके उम्मीदवार है, सांसद तो बनेंगे ही नहीं, मुंबई उनको चुन नहीं सकती, लेकिन जो पीयूष गोयल साहब है 10 साल से केंद्र की सरकार में मंत्री थे, कभी रेल मंत्री थे, कभी अर्थ मंत्री थे, मुझे आप कहिए कभी भी 10 सालों में उन्होंने मुंबई के लिए आवाज उठाई है? नहीं. आपने उनकी मुंबई की आवाज सुनी है? नहीं सुनी है. लेकिन उन्होंने जो आज कहा है वो भयानक है. 2 हफ्तों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया
और इस इंटरव्यू में कहा कि मेरा सपना यानी उनका सपना पीयूष गोयल साहब का सपना यह है कि मुंबई को स्लम फ्री करे. क्या करे? स्लम फ्री. जो अपनी स्लम फ्री की पॉलिसी है जो शिवसेना उद्धव बाड़े साहब ठाकरे यानी अरविंद सावंत साहब की जो स्लम की स्लम फ्री की पॉलिसी है जो उनका सपना है वो यही है जहां झोपड़ा हो वही अपना घर मिले यही है उनकी पॉलिसी. लेकिन भाजपा का सपना पता है क्या है? पीयूष गोयल साहब का सपना पता है क्या है? सारी जो मुंबई की झोपड़ियां है उसे लेके वसई विरार में जो सॉल्ट पैन है मीठा घर है उधर लाके छोड़ दे. जाएंगे आप? नहीं. जाएंगे आप? नहीं. जा सकते हो आप? नहीं. इस मुंबई को हमारे जो यहाँ मजदूर है उनको छोड़ के वसई विरार लेके जा सकते हो आप? नहीं. आपकी जो नौकरियां गली गली में है उसे छोड़ के वसई विरार जा सकते हो? अगर वसई विरार नहीं जाना हो तो भाजपा को सपनों में भी चुनके मत दीजिए, क्योंकि उनका पहला सपना है कि मुंबई को खत्म करें. और मुंबई को खत्म कैसा करना है? तो मुंबई का जो अर्थचक्र है वो तोड़ देना है. मुंबई की जो ताकत है, जो आप सारे लोग हो जो हर दिन मेहनत करते हो, काम करते हो, मुंबई के लिए काम करते हो, हमारे देश हित में काम करते हो, विकसित भारत के लिए काम करते हो, उनको मुंबई से हिला दो ताकि यहां कोई मजदूर ना रहे, ना काम करने वाला ना रहे, ना मेहनत करने वाला रहे, सारे के सारे लोग वसई विरार हो, वडाला हो, उधर लेके छोड़ दिए जाए. ये सपना उनका भाजपा का है. क्या उनको आप चुनोगे? नहीं चुनोगे. और इसलिए अगर आपको आगे लेके जाना है देश को नहीं तो सिर्फ गली को भी नहीं लेकिन आप खुद को, हम अगर साथ में आए तो गली क्या देश को भी आगे ले सकते हैं, दिल्ली तक जा सकते हैं. लेकिन आपको चुन के देना होगा अरविंद जी को. तैयार हो आप? तैयार हो आप? इनको चुनने के लिए एक ही बटन दबाना पड़ेगा आपको. कुठे के लिए थी मशाल? ये जो मशाल है इस पे आपको दबाना होगा. इस मशाल को दबा के, इस मशाल को ईवीएम बटन पे दबा के जो सारे जगह अंधेरा छाया हुआ है वहां रोशनी आप ला सकोगे. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.